Vayam Digital India, Educated India. ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स ऑपरेशन के बारे में बात किया था और मैंने आपको यह बताया था कि आर सॉफ्टवेयर में मैट्रिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन इंग्रेडिएंट खास तौर पे चाहिए कि हमारे उस मैट्रिक्स में कितनी रो होनी चाहिए कितने कॉलम होने चाहिए और उसमें से कौन सा डेटा होना चाहिए उसके लिए हमने एन रो एन कॉल और डेटा कमांड्स को समझने की कोशिश करी थी तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना आ गया होगा साथ ही हमने बाई रो कमांड की बात भी करी थी जिसके द्वारा मैंने ये बताया था कि आपको अपने मैट्रिक्स के अंदर डेटा की एंट्री रो वाइज करनी है या कॉलम वाइज़ करनी है तो अब आप मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर कोई भी अगर मैट्रिक्स में डेटा दिया जाता है और साथ में आपको उसमें कितनी रो और कितने कॉलम होने चाहिए ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है तो आप उस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे अब जब हमारी मैट्रिक्स बन जाती है उसके बाद उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन आते हैं कुछ हमारे रो से रिलेटेड होते हैं कुछ कॉलम से रिलेटेड होते हैं और उसके अलावा हमारे पास भिन्न भिन्न तरह की मेट्रिस भी होती हैं लाइक एस डायगनल मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं और बहुत सारी वेरियस हमारे पास मैट्रिक्स ऑपरेशंस भी होते हैं लाइक एस ट्रांसपोज इत्यादि तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं बहुत छोटे छोटे हमारे बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो हमारे मैट्रिक्स से संबंधित हैं उनके बारे में बात करेंगे और हम आपको ये दिखाएंगे कि मैट्रिक्स से संबंधित इन, इन कार्यों को आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से किया जाता है सो so, चलिए आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इन छोटे छोटे कमान को सीखते हैं आप देखिए एक हम यहाँ पे पहले आपको एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि हम उसमें से क्या निकालना चाहते हैं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एक हमने मैट्रिक्स डिफाइन करी जिसमें हमारे पास फोर रोज़ हैं तीन कॉलम्स हैं और उसके अंदर जब हमारे पास चार रो और तीन कॉलम है तो हमारे पास टोटल हमारे पास डेटा वैल्यू कितनी चाहिए बारह तो मैंने इस डेटा को मैंने एक से लेकर बारह तक के अंकों को यहाँ पे असाइन कर दिया एक से बारह के अंकों को असाइन करने का हमारा ये भी तरीका होता है कि वन कोलन ट और इसको मैंने डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया इस सी कमान के द्वारा अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो यह आपको इस तरह की मैट्रिक्स दे देगा जहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः से लेकर के यहाँ तक बारह तक के सारे एलिमेंट कॉलम वाइज अरेंज होंगे अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इस आर सॉफ्टवेयर ने इस मैट्रिक्स एक्स के रोज और कॉलम को एक नाम दे दिया है जैसे देखिए ये आपकी पहली रो है इसका इसने नाम दे दिया है ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट लिखा लिखा वन और कॉमा और उसके बाद ब्लैंक है उसी तरीके से उसने जो दूसरी रो है उसको उसने एक नाम दे दिया है जिसको उसने स्क्वायर ब्रैकेट में दो और कॉमा लिख करके दिखाया है उसी तरीके से उसने तीसरी और चौथी रो को भी उसने एक नाम दिया हुआ है और उसी प्रकार से इसने जो भी हमारे कॉलम्स हैं तीन कॉलम हैं उनको नाम दिया हुआ है जैसे ये हमारा पहले कॉलम का नाम है और इसको उसने लिखा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट लिखा फिर एक ब्लैंक स्पेस फिर कॉमा और वान और जो हमारा दूसरा कॉलम है उसको भी उसने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा फिर कॉमा लिखा और उसका लिखा दिया दो और उसी तरीके से उसने तीसरे कॉलम को भी नाम के दिया स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा तीन अब मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स में इसके जो रो और कॉलम्स के नाम जो आर ने अपने आप से दिए हैं आप उनको बदलना चाहते हैं तो इन रो और कॉलम्स के नेम को इन रो और कॉलम्स के जो नाम हैं उनको किस तरह तरीके से उनका नाम को बदला जाए यह ऑपरेशन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाना चाहता हूँ रो के नामों को बदलने के लिए हमारे पास कमांड होता है रो नेम्स आर ओ डब्ल्यू एन एम ई एस और ये सब कुछ आपको लोअर केस अल्फाबेट्स में लिखना है और पैरेंथिस में आपको इस मैट्रिक्स का नाम दे देना है एक्स तो ये हमारा रो के जो हमारे नाम दिए हुए हैं उनको बदल देगा और उसी तरीके से कॉलम्स के नाम को बदलने के लिए हमारे पास कमांड होता है सी ओ एल एन ए एम ई एस और पैरेंथिस में हम लिख देंगे उस मैट्रिक्स का नाम एक्स जैसे मैंने यहाँ पे दिया है तो ये हमारे कॉलम्स के नेम को बदल देगा तो चलिए हम एक उदाहरण लेके इसको हम बदलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे कार्य करता है अब मान लीजिए कि हम अपने इस मैट्रिक्स uh, में हमारे जो रो हैं उनके नाम हम करना चाहते हैं R1, R2, R3 और R4। तो इन नामों को हम अपने एक डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में सी कमान की सहायता से पैरन्थिस के अंदर लिख देते हैं और इन R1, R2, R3, R4 को हम डबल कोर्ट्स के अंदर दे देते हैं क्यों क्योंकि ये हमारे कैरेक्टर्स है और हम इसको यहाँ पे रो नेम्स और पैरथिस में लिख देते हैं एक्स इक्वल टू ये जो जो मैंने नाम दिए हुए हैं अब इससे क्या होगा ये बताएगा कि इस मैट्रिक्स एक्स के जो रो के नाम हैं इनको बदलना है और ये नाम ये वाले आने वाले हैं जो उधर इक्वल्टी साइन के राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं और जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे देखिए जो इसका ऑपरेशन होगा उसका आउटकम देखिए कुछ ऐसा आएगा यहाँ पर देखिए ये नाम आपके बदल गए R1, R2, R3, R4 आर और उसी तरीके से आप अगर इसी मैट्रिक्स के ये जो कॉलम्स के नाम दिए हुए हैं इसको भी अगर बदलना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे कमांड यूज़ किया सी -E जो हमारा सारा सारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में है और पैरथिस में लिख दिया X उस मैट्रिक्स का नाम और इन कॉलम्स के नाम को को मैंने दे दिया सी वन सी टू सी थ्री और जिनको मैंने डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में सी कमांड को इस्तेमाल करते हुए पैरेंथिस के अंदर डबल कोर्ट्स में लिख दिया देखिए जैसे ये क्योंकि ये हमारे कैरेक्टर है तो ये कमान जब हम लिखेंगे तो ये बताएगा कि ये कॉल नेम्स का जो ऑपरेशन है इस मैट्रिक्स एक्स के ऊपर होना है और जो कॉलम्स के नाम को फिर से बदला जाना है और ये नाम हमारे जो इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड पे डेटा वेक्टर के अंदर दिए हैं वह होंगे और जो जैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे आप देखेंगे इस कॉलम के नाम हमारे यहाँ पे बदल गए सी वन सी टू सी थ्री हो गए अब आप देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में दोनों आपके रो और कॉलम्स नेम दोनों दोनों आपके बदल चुके हैं और इसी कार को करने का जो स्क्रीन भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा देखिए ये कुछ इस तरीके का है तो अब चलिए जरा सर हम इसी ऑपरेशन को आपको अपने आर कंसोल में करके दिखाते हैं तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को तैयार कर लेते हैं यहाँ पर देखिए आपकी मैट्रिक्स आ गई अब इसमें से आप अपने जो भी इस सबसे पहले हम चलिए जो मैंने नाम यहाँ पर दिए हुए हैं हम उन्हीं को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो देखिए हम इसमें से जो उनकी एक्स मैट्रिक्स के रो नेम से इनको हम यहाँ पे आर वन आर टू आर थ्री आर फोर कोशिश करते हैं और फिर देखिए आपका ये एक्स क्या आ गया देखिए ऐसा आ गया जहाँ पे आपने ऊपर आपके नाम दिए हुए थे वन टू थ्री फोर और नीचे आपके नाम आ गए आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और उसी तरीके से आप अगर इस मैट्रिक्स में आप अगर कॉलम्स को अगर के नाम अगर बदलना चाहते हैं तो आपको देखिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको सी ओ एल एन एम ई एस कॉलम नेम्स कहाँ के एक्स के सपोज हम इसको हम कुछ और देते हैं जैसे मैंने कह दिया मैं इसको दूंगा एप्पल बनाना और oranges. आप कुछ भी दे सकते हैं इसको मैंने बस डबल कोर्स के अंदर दिया है अब आप देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू देखिए जो आपके कॉलम नेम्स यहाँ पे वन टू थ्री दिए हुए थे ये देखिए अब एप्पल बनाना ऑरेंजेस हो गए तो ये देखा आपने कि ये आपके कंट्रोल में है कि आप इस मैट्रिक्स के रोस और कॉलम्स को आप किस तरीके से नाम देना चाहते हैं ओके okay, अब इसके बाद हम आपको एक और ऑपरेशन करके दिखाना चाहेंगे कि अगर मुझे कभी कोई ऐसी मैट्रिक्स तैयार करनी है जिसमें उस मैट्रिक्स के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वह सभी सेम होंगी जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक मान लीजिए ऐसी मैट्रिक्स तैयार करना चाहते हैं जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स हमारे दो दो होंगे टू बाई टू की मैट्रिक्स तो इस तरह की मैट्रिक्स में एक तो ऑप्शन तरीका आपका यह है कि आप एनरो एंड एन कॉल को डिफ़ाइन करिए और जिस तरीके से आप अपने डेटा वैल्यू को देते हैं आप उनको दीजिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है शॉर्ट फॉर्म यह है कि, कि जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मुझे के फोर बाई टू की मैट्रिक्स बनानी है जहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज़ टू होंगी तो उसके लिए मैंने मैट्रिक्स कमांड का इस्तेमाल किया उसमें लिखा इक्वल टू फोर एंड कॉल इक्वल टू टू और डेटा इक्वल टू कर दिया टू यहाँ पे आप उसमें से आठ बार दो को रिपीट करिए जैसे हम कहें कि आपने उसको आठ बार दो दो करके रिपीट किया इसकी जगह आपने सिंपली खाली लिख दिया डेटा इक्वल टू दो तो ये जो मैट्रिक्स देगा ये आपको ये वाली मैट्रिक्स दे देगा जिसमें हर एक वैल्यू आपकी देखिए टू के बराबर है अब इसके बाद हम हम एक और तरीके की जो हमारी बहुत ही पॉपुलर मैट्रिक्स होती हैं मैट्रिक थ्योरी में उसकी बात करते हैं आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में सुना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारे डाइगनल एलिमेंट्स होते हैं वो तो होते हैं वन और जो हमारे ऑफ डाइगनल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं शून्य ये डैगनल और ऑफ़ डैगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं अगर हम कोई भी अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ले लेते हैं तो जो हमारी वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स के डैगनल पर होती हैं उनको हम कहते हैं डैगनल वैल्यूज़ और जो वैल्यूज़ हमारी ऑफ डाइगनल पर यहाँ यहाँ पर होती हैं ये सारी वैल्यूज़ हमारी ज़ीरो होती हैं और इनको हम कहते हैं ऑफ डायगनल वैल्यूज अब यहाँ पर डायगनल में अगर हमारा आ जाता है सारी वैल्यूज हमारी होती है वन तो हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नहीं तो वन के अलावा यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स हमारी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं तो अब इस तरह की मैट्रिक्स को अगर मुझको तैयार करना है तो एक ऑप्शन तो यह है कि हम अपना मैट्रिक्स का मान लिखें और जहाँ पर हमारे पास डेटा वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे हम सारी सारी वैल्यूज़ को लिखें और उसको हम हाँ अपने बाईरो को हम ट्रू या फॉल्स करके हम अपने कमान को यूज़ कर सकते हैं और अपनी इस डेटा की वैल्यूज़ को ऐसे अरेंज करें कि हमको एक डायग्नल मैट्रिक्स मिल जाए उसकी जगह आर सॉफ्टवेयर में डायग्नल मैट्रिक्स को तैयार करने का हमारा कमांड होता है डी आई ए जी और इसमें से आपको जितनी रो या जितने कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पे दे दे दीजिए जैसे मैं यहाँ पे एक थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स अर्थात जिसमें तीन रो और तीन कॉलम्स होंगे उसको बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें हमारे डायगनल पर हमारी सारी वैल्यूज़ होंगी वन और ऑफ डाइगनल पर होंगी ज़ीरो तो मैंने यहाँ पे कर दिया डी आई ए जी और इस कर दिया वन और एन रो इक्ल टू थ्री एन कॉल इक्वल टू थ्री और ये देखिए हमको इस तरह का आउटकम दे देगा जहाँ पर ये हमारे है हमारे हैं डायगनल एलिमेंट्स सारे सारे वैल्यूज़ हैं वन और ये हमारे हैं ऑफ डाइगनल एलिमेंट्स जो हमारे सारी वैल्यूज़ हैं जीरो और ये देखिए इसका स्क्रीन भी है अब इसी मैट्रिक्स में अगर हम डायगनल पर एक की जगह कोई और वैल्यू करना चाहें तो मान लीजिए कि हम डायगनल पे चाहते हैं कि हमारी सारी वैल्यू पाँच हो जाए तो हमें क्या करना है अगर हम एक थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें डायगनल पर हमारी सारी वैल्यूज हो जाए, जाए पाँच और ऑफ डायगनल वैल्यूज हमारी हो जाए शून्य तो उसके लिए हमारा कमान क्या हो जाएगा डी आई ए जी उसके बाद में लिख दीजिए पाँच उसके बाद में एन रो इक्ल टू थ्री और एन कॉल इक्वल टू थ्री और इसका आउटकम आप अगर देखेंगे तो देखिए तो ये डायगनल पर आपको सारी वैल्यूज़ मिल गई पाँच पाँच और ऑफ डायगनल पे आपको सारे वैल्यूज़ मिल गई ज़ीरो तो इसको आप हाँ, डायरेक्टली आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर अब हम आपको पूछें कि आप इस डायगनल पर कुछ ऐसा चाहते हो वन टू थ्री और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपके ज़ीरो हो जाए तो इसको कैसे किया जाए जरा इसके बारे सोचिए और हम आपको इन द मीन टाइम इन इन सारे सारे ऑपरेशन को हम आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं तो देखिए सबसे पहले हम आपको ये वाला ऑपरेशन करके दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको अगर कोई ऐसी मैट्रिक चाहिए जिसमें सारी वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए तो देखिए आपने यहाँ पे कर दिया एंड्राई इक्वल टू फोर एंड कॉल इक्वल टू टू और डेटा इक्वल टू कर दिया टू तो देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई टू हर एक एलिमेंट इस फोर बाई टू की मैट्रिक्स कितना हो गया दो और इसी में अगर हम मान लीजिए इसी वैल्यू को हम करना चाहते हैं ट्वेंटी तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया डेटा इक्ल टू ट्वेंटी और एक्स की वैल्यू देखा तो ये हमारी ऐसी होगी जिसमें हर एक वैल्यू हमारी ट्वेंटी के बराबर है और उसके बाद फिर हम अपनी डायगनल मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं आप अगर देखिए तो डी इज़ इक्ल टू डी आई ए जी डी मैंने एक नाम दे दिया मैट्रिक्स को जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को रखेंगे और मैंने दे दिया यहाँ पे दे दिया वन और एन रो इक्ल टू मैंने दे दिया फोर और एन कॉल दे दिया फोर अब हम यहाँ पे फोर बाई फोर की एक हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं देखिए आपके डायगनल एलिमेंट्स सारे हो गए वन और ऑफ डाइगनल एलिमेंट सारे आपके हो गए शून्य और इसी में आप अगर वन की जगह आप अगर यहाँ पे मान लीजिए हंड्रेड करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपकी जो डायगनल पर सारी वैल्यूज हो गई हंड्रेड और बाकी ऑफ डायगनल एलिमेंट्स हो गए आपके शून्य अब मैं अगर यहाँ पर ऐसा चाहता हूँ कि डायग्नल पर हमारे कुछ वैल्यू आ जाए वन टू थ्री फोर पहले डाइगनल वैल्यू एक यहाँ पर दूसरी डायगनल वैल्यू दो तीसरी डायगनल वैल्यू थ्री तीन और चौथी डायगनल वैल्यू चार तो इस कार्य को कैसे किया जाए तो इसको देखिए करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर आपको अपना तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसी वैल्यूज़ देनी है जहाँ पर वन टू थ्री फोर हो जाए तो मैंने यहाँ पे अपना एक डेटा वेक्टर डिफाइन कर दिया और इसमें से मैंने ये चार वैल्यूज मैंने डिफाइन कर दी अब देखें क्या होता है देखिए डी की वैल्यू क्या आ गई आ गई वन टू थ्री फोर इसके डायगनल पर आ गए और ऑफ डायगनल पर आपके देखिए सारे सारे हमारे जीरो एलिमेंट्स आ गए तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें अब आपको अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आप किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में अगर डिफरेंट वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो आपको उसमें किस तरह के आउटपुट मिलते हैं और दूसरी बात अगर आपको किसी पर्टिकुलर तरह का आउटपुट चाहिए तो आपको अपने कमांड के अंदर किस तरह का परिवर्तन करना है सो दैट कि आपको वही आउटपुट मिल जाए जो आपको चाहिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको भी आ जाएगा ओके अब इसके बाद हम आपको हमारा मैट्रिक्स में एक ऑपरेशन होता है ट्रांसपोर्स ट्रांसपोर्स में क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स के जो रोज़ और कॉलम है वो आपस में चेंज हो जाते हैं बदल जाते हैं जैसे कि अगर हम कहेंगे कोई मैट्रिक्स हमारी है ऐसे वन टू थ्री फोर अब इसका अगर हम मान लीजिए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये जो रो है वन टू ये हमारे पहली कॉलम बन जाएगी वन टू और जो दूसरी रो है थ्री फोर ये हमारा दूसरा कॉलम बन जाएगा थ्री फोर तो ये इसका हमारा ट्रांसपोज होता है तो इस ट्रांसपोज का जो हमारा कमांड होता है ये होता है टी और पैरेंथिस में हम उस मैट्रिक्स का नाम लिख देंगे जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करना निकालना चाहते हैं तो चलिए हम एक आपको यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं और उसमें से आपको ट्रांसपोज निकाल के बताते हैं तो मैंने एक यहाँ पे फोर बाई टू ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली जिसमें से हमारे पास डेटा है एक से आठ तक का और इसको मैंने रोबाइज अरेंज किया हुआ है तो देखिए ये हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये डेटा हो गया अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमको क्या करना है हमको इसका टी और पैरेंथिस में लिख देना है मैट्रिक्स का नाम वो है हमारा एक्स तो अब देखिए इसका हमारा आउटकम कैसा आएगा जो भी आउटकम है उसको मैंने एक नए वेरिएबल में सेव कर लिया है एक्स टी देखिए इसका आउटकम ऐसा आएगा अब अगर आप इसको स्क्रीन शॉट से देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको जो पहला कॉलम था वन थ्री फाइव सेवन ये आपका बन गया अब पहली रो ट्रांसपोज होने के बाद में और जो दूसरा कॉलम था टू फोर सिक्स एट ये आपकी दूसरी रो बन गया टू फोर सिक्स एट तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज अब इसके बाद हम आपको एक और ऑपरेशन करके दिखाते हैं जहाँ पर हम अपनी मैट्रिक्स के जो हमारे एलिमेंट रोज़ और कॉलम्स में लिखे हुए हैं हम उनका योग निकालना चाहते हैं रो वाइज अर्थात कि जो हमारी पहली रो के एलिमेंट हैं उनका कम आ जाए जो हमारा कोई पर्टिकुलर कॉलम है उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स लिखे हैं उनका हमारा कम आ जाए और इस तरह के जो हमारे ऑपरेशनस होते हैं वो हम जब भी अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं उसमें जगह जगह भी पड़ते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स में रो के एलिमेंट्स का सम निकालने के लिए और कॉलम के एलिमेंट्स का सम निकालने के लिए हमारे पास कमांड होता है रो सम्स और कॉल सम्स तो ये जो रो सम्स का जो कंटैक्स है इसमें आपको ध्यान देना है कि आर ओ डब्ल्यू ये तो लोअर केस में है और सम्स में जो हमारा है पहला एस ये हमारे कैपिटल लेटर में है और बाकी हमारे लोअर केस में है और उसी तरीके से कॉलम सम्स निकालने के लिए जो हमारा कमांड है वो है सी ओ एल और उसके अलावा ये जो स्म्पस में जो कैपिटल एस है ये हमारे स्कम्स का पहला अक्षर है वो कैपिटल में और बाकी हमारे सी ओ एल और यू एम एस ये हमारे लोअर केस में तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है तो अगर हम एक उदाहरण यहाँ पे लेते हैं हम एक अपनी मैट्रिक्स बनाते हैं फोर बाई टू की जिसके अंदर हमारे पास डेटा है एक से आठ तक का और ये देखिए ये हमारी मैट्रिक्स हो गई अब इसमें से हम इसका रो रोसम्प्स और कॉलम कॉलमसम्स निकालते हैं रो रोसम्प्स का क्या मतलब हुआ अगर हम पहली रो की बात करते हैं तो पहली रो में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है वन और फाइव इसको हम एक साथ ऐड कर दें उत्तर मिल जाएगा छः और ऐसे अगर हम कहें कि फोर्थ रो में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है चार और आठ इनका हम सम करें तो क्या मिल जाएगा बारह और उसी तरीके से अगर हम कॉलम की बात करें तो मान लीजिए अगर हम कहें कि पहला कॉलम है उसमें से हमारी कौन कौन सी वैल्यू है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तो इसका हमारा सम क्या बन जाएगा दस तो ये जो रो सम्स और कॉल सम्स हैं ये आपको रोज और कॉलम्स में दिए गए नंबरों का योग निकाल देते हैं तो चलिए हम इसमें से इन्हीं ऑपरेशंस को यहाँ पे करते हैं और देखते हैं कि उनका आउटपुट कैसे आता है तो सबसे पहले ज़रा आप इसका आउटपुट देख लीजिए क्या है ये जब हमने रोज सम्स किया तो हमारा उत्तर आ गया छः आठ दस बारह और जब कॉल सम्स किया तो हमारा उत्तर आ गया दस और छब्बीस अब जरा हम समझते हैं कि यह उत्तर हमारा कहाँ से आया है अब देखिए आपकी जो पहली रो है इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं एक और पाँच आप दोनों का सम करिए तो क्या क्या उत्तर आ जाएगा छः दूसरी रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं दो और छः दोनों का सम करिए तो उत्तर क्या आ जाएगा आठ तीसरी रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तीन और सात इनका सम करिए उत्तर क्या आ जाएगा दस और चौथी रो में आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं चार और आठ इनका सम करिए तो आपका सम क्या आ जाएगा बारह और ये जो छः आठ दस बारह है यही तो देखिए यहाँ पे आपको आउटकम में दिया गया जिसने आपको रो सम्स निकाल दिया है और उसी तरह से जब हम कॉलम सम्स की बात करते हैं तो आप देखिए ये आपका पहला कॉलम है जहाँ पर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं वन टू थ्री और फोर तो जब इनका आप योग निकालने की कोशिश करेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, प्लस फोर तो कितना आ जाएगा टेन और उसी तरह से दूसरे कॉलम में जो नंबर दिए हैं पाँच छः सात आठ उनका योग निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा छब्बीस तो देखिए यही दस और छब्बीस तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये कॉलम सम्स में तो देखिए ऐसा यहाँ पर ऑपरेशन होता है और ये इसका देखिए स्क्रीन है आप जब इसको आज सॉफ्टवेयर में करेंगे तो आपको ऐसे ही यहाँ पर दिखाई देगा हम आपको करके भी दिखाएंगे अब जब हम रो और कॉलम्स में दिए गई वैल्यूज़ का योग निकाल रहे हैं तो हम उनका अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमको मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनमें हर एक रो में जो हमारी वैल्यूज़ दी हैं और जो कॉलम्स में वैल्यूज़ दी हैं हम उनका अथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें अगर हम इसी मैट्रिक्स की बात करते हैं जो हमने अभी ली है फोर बाई टू की मैट्रिक जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं एक से आठ तक की अगर हम मान लीजिए पहली रो की बात करें तो पहली रो में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं एक और पाँच है दोनों का हम कम निकालेंगे आएगा छः और इसका अथमेटिक मीन कितना आ जाएगा छः डिवाइडेड बाई दो तीन और उसी तरीके से अगर हम पहले कॉलम की बात करते हैं पहले कॉलम में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इनका सम क्या आ जाएगा टेन और उनका अथमेटिक मीन कितना हो जाएगा टेन अपॉन फोर टू पॉइंट फाइव तो इस तरीके से रो के एलिमेंट्स का मीन अथमेटिक मीन और कॉलम्स के एलिमेंट्स का अथमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास कमांड होता है रो मीन्स और कॉलम मीन्स अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि रो मीन्स में ये जो लिखा हुआ है एम मीन्स का ये कैपिटल लेटर में है अपर केस में है और बाकी सारे हमारे अक्षर लोअर केस में हैं और वही चीज़ हमारी कॉलम मीन्स के अंदर भी है कि जो हमारा एम है ये हमारा कैपिटल लेटर में है अपर केस में है और बाकी सारे हमारे अक्षर लोअर केस में हैं तो चलिए अब इसी मैट्रिक्स में हम अपना रो रोसम्स की जगह अब हम रो मीस निकालते हैं और कॉलम्स की जगह कॉलम कॉलमी सम्स की जगह हम कॉलम मीनस निकालते हैं देखें क्या होता है तो देखिए ये वाली मैट्रिक्स में आप अगर देखेंगे आप अगर पहली रो की बात करेंगे तो इसके हमारे एलिमेंट्स क्या हैं एक और पाँच तो इनका अथमेटिक मीन क्या आ जाएगा एक प्लस पाँच डिवाइडेड बाई दो जो है तीन के बराबर उसी तरीके से दूसरी रो में जो हमारे एलिमेंट्स हैं दो और छः इनका अथमेटिक मीन क्या आ जाएगा दो प्लस छः डिवाइडेड बाई दो चार एंड uh, इसी तरह से थर्ड रो में जो हमारे एलिमेंट्स हैं तीन और सात उनका एथमेटिक मीन कितना आ जाएगा तीन प्लस सात डिवाइडेड बाई दो जो पाँच के बराबर है और फोर्थ रो में हमारे एलिमेंट हैं फोर प्लस ए डिवाइडेड बाई टू इनका एथमेटिक मीन होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी छः तो अब देखिए ये जो तीन चार पाँच छः है यही तो हमारा रो मीनस कमान का आउटकम है और उसी तरीके से अगर हम माली कॉलम मीन्स की बात अगर करते हैं तो हमारा पहले कॉलम में क्या क्या वैल्यूज़ हैं वन टू थ्री फोर जिनका हमारा अथमेटिक मीन आ जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर जो हमारा टू पॉइंट फाइव है और दूसरे कॉलम में जो हमारी वैल्यूज़ दी हुई हैं उसका हमारा कॉलम मीन्स होगा पाँच प्लस छः प्लस सात प्लस सात डिवाइडेड बाई चार जो हमारा सिक्स पॉइंट फाइव के बराबर होगा तो ये जो टू पॉइंट फाइव और सिक्स पॉइंट फाइव है देखिए यही तो हमको यहाँ पर कॉलम मीन्स के साथ में दिए गए हैं तो आपने देखा कि इस तरीके से आप अपना जो भी रो मीन्स और कॉलम मीन्स हैं आप उनको यहाँ पर बहुत आराम से निकाल सकते हैं और इसकी आवश्यकता हमको समय समय पर हम अपने जब भी ऑपरेशंस करेंगे तब हमको वहाँ पर इसकी वैल्यू पता चलेगी तो चलिए अब हम अपने आर सॉफ्टवेयर में जरा सा इन ऑपरेशन को करके देखते हैं तो सबसे पहले हम जो हमारा हमने पहले एक्स अपना डिफ़ाइन किया था इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखिए आपने एक्स जो पहले लिया था इसमें सारी वैल्यू आपकी क्या थी ट्वेंटी ट्वेंटी अब इसका अगर आपको ट्रांसपोज निकालना अगर है तो आप कर दीजिए टी और ब्रैकेट में परि थे इसमें कर दीजिए एक्स तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी कितनी रोज़ थी एक दो तीन चार और यहाँ पर कितनी रोज़ हो गई एक दो यहाँ पर आपके कितने कॉलम्स थे एक दो और यहाँ पर आपके कितने कॉलम्स हो गए चार राइट अब इसमें सारी वैल्यूज आपकी ट्वेंटी है चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं ये मैंने एक एक्स मैट्रिक्स ले ली फोर बाई टू की और अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखिए इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा ऐसे करके जो आपका पहला कॉलम है वन टू थ्री फोर ये आपका पहला रो बन जाएगा जो आपका दूसरा कॉलम है पाँच छः सात आठ ये आपका थ्री रो बन जाएगा तो देखिए ये इसका ट्रांसपोज आ गया अब इसी मैट्रिक्स में हम जरा सा रो सम्स और कॉलम सम्स निकालते हैं तो अब देखिए रो सम्स एक्स कितना आ गया छः आठ दस बारह एक और पाँच का सम कितना होगा छः दो और छः का आठ तीन और सात का दस चार और आठ का बारह जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कॉलम सम की बात करते हैं तो सी ओ एल एस यू एम एस कमांड हमारा है और आप देखेंगे तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, प्लस फोर कितना हो गया दस पाँच प्लस छः प्लस सात प्लस आठ कितना हो गया छब्बीस तो ये आपको मिल गया अब इसी में आप अगर मान लीजिए रो मीन्स और कॉलम मीन्स की अगर आप बात करते हैं तो इसी में आप इसको भी निकाल सकते हैं रो मीन्स निकालेंगे कितना उत्तर आ गया तीन चार पाँच छः कैसे आया आपने देखिए रो सम्स तो निकाला है हर एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं दो तो आप इसको हर एक वैल्यू को आप अगर यहाँ पर दो से डिवाइड कर देंगे तो छः डिवाइडेड बाई दो कितना हो गया तीन आठ डिवाइडेड बाई दो कितना हो गया चार दस और बारह को जब आप दो से डिवाइड करेंगे तो उत्तर आ जाएगा पाँच छः तो ये आपका रो मीन्स हो गया अर्थात कि रो में जो हमारे एलिमेंट दिए हुए हैं उनका अर्थमेटिक मीन और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे मान लीजिए कॉलम मीन से अगर निकालना चाहते हैं तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2.5 और 6.5 कैसे आया अब देखिए हर एक कॉलम में आपके पास कितने एलिमेंट हैं चार अर्थात कि जो आपने कॉलम सम निकाला हुआ है उसको आप चार से डिवाइड कर दीजिए तो दस डिवाइडेड बाई चार टू और छब्बीस डिवाइडेड बाई चार सिक्स तो इस तरीके से आप अपने इन सारे के सारे ऑपरेशंस को यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो चलिए अब हम यहाँ पे अपने इस लेक्चर को रोकते हैं और आपने देखा कि ये बहुत ही एलिमेंट्री लेक्चर था और इसके ऑपरेशन बहुत ही आसान और बहुत ही एलिमेंट्री थे लेकिन जब आप मैट्रिक्स थोड़ी से रिलेटेड जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो बहुत जगह पे डेटा मैनिपुलेशंस करने के लिए ये कमांड आपकी बहुत सहायता करेंगे तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आज का जो लेक्चर में हमने कुछ जो सिंटैक्स और कमांड्स की बात करी है आप उसमें से कोई भी मैट्रिक्स लीजिए और उसमें कैलकुलेशंस अपने हाथ से करिए और उन्हीं कैलकुलेशंस को फिर आप अपने आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करिए और देखिए क्या दोनों कैलकुलेशन आपस में मैच करते हैं ये बहुत आवश्यक है कि जो आप निकालना चाहते हैं उसको निकालने का तरीका आपको आर की भाषा में लिखना पड़ेगा उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आर किस तरह की भाषा को समझता है जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप उसको आर की भाषा में लिख नहीं पाएंगे और आपके जो आपकी इच्छा है कार्य करने की और जो आर आपको करके देगा उसमें कुछ अंतर हो सकता है तो इस अंतर को मिटाने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप छोटे छोटे उदाहरण लेकर के प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के साथ में मिलने फिर से आएंगे तब तक के लिए Goodbye.